हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जूलिया क्रिस्टीवा की। जूलिया क्रिस्टीवा के जो दो टर्म हैं वो काफ़ी फेमस हैं और नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट थियरिस्ट है। यहाँ पर जो दो इसके इम्पोर्टेंट टर्म है, एक तो कोरा बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है अपने आप में, और जो सेकेंड इम्पोर्टेंट टर्म है वो है इंटरटेक्चुअलिटी। लेकिन इसके अलावा एक दो बात और है जो हम इसके बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं सब्जेक्ट से। जूलिया क्रिस्टीवा की स्टडी हम कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि कई बार हम इसकी स्टडी फेमिनिज्म के हिसाब से कर लेते हैं, तो कई बार हम इसकी स्टडी साइको एनालिसिस के हिसाब से करते हैं, और कई बार हम इसको पढ़ते हैं पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के हिसाब से। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, जूलिया क्रिस्टीवा ने कहा है कि किसी भी चीज का एक फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता। जैसे कि स्ट्रक्चरलिज्म में कहा गया था कि एवरीथिंग हैज स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, हर एक चीज का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। लेकिन पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में कहा गया था कि किसी भी चीज का, किसी भी लैंग्वेज का, या दुनिया में किसी भी ऑब्जेक्ट का एक फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता। तो जूलिया क्रिस्टीवा ने भी कहा है, उसने ये बात कही है सब्जेक्ट को मानकर। सब्जेक्ट बोले तो कंटेंट, सोच, आइडियाज, डिजायर्स, विशेष, बहुत सारी चीजें हैं। तो जूलिया क्रिस्टीवा ने कहा है कि हर इंसान की सोच, हर इंसान का सब्जेक्ट अलग होता है। आप कहीं पर भी ऑब्जेक्टिविटी नहीं दिखा सकते, बल्कि दुनिया के अंदर सब्जेक्टिविटी है। कोई भी दो इंसान एक जैसे दिखाई नहीं देते। जूलिया क्रिस्टीवा रिजेक्ट्स द ह्यूमनिस्ट आइडिया ऑफ सब्जेक्ट। द अनकॉन्शियस इज अनडिटर्मिनेबल, कह रहे हैं इलिमिटेबल एंड अनगवर्नेबल और सिंपली अननोएबल। ये जो हमारा अनकॉन्शियस पार्ट है, जो इंसान की अनकॉन्शियस बोले तो उसकी डिजायर्स, उसके रिप्रेशंस, उसकी हिडन फीलिंग, हिडन डिजायर्स, वो सारी के सारी कैसे होती हैं, यानी बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड होती हैं, क्लियर नहीं होती, कॉम्प्लेक्स होती हैं। और हम ये कह सकते हैं कि अननोएबल, बिल्कुल अनजान होती है, हमें कुछ भी नहीं पता चल सकता कि कोई इंसान क्या सोच रहा है, अनकॉन्शियस माइंड में उसके क्या चल रहा है। तो ये सब चीजें अनएबल होती हैं। इसीलिए सब्जेक्टिविटी इज ऑलवेज डिवाइडेड, कंट्रोडिक्टरी एंड अनफाइनलाइजेबल। कि किसी भी इंसान की जो सब्जेक्टिविटी है, किसी भी इंसान की सोच, उसकी डिजायर्स, ये अनफाइनलाइजेबल है, यानी आप फाइनल नहीं कर सकते। आप किसी चीज को फाइनल नहीं कर सकते, मतलब आप स्ट्रक्चर नहीं बता सकते कि वो क्या सोच रहा है, उसकी सब्जेक्टिविटी क्या है, कौन इंसान क्या पसंद करता है, क्या वो ना पसंद करता है, किस चीज को वो ज्यादा जो है डिजायर करता है, किसी चीज की इच्छा करता है और किस चीज की इच्छा वो नहीं करता। ठीक है, सब्जेक्ट को जूलिया क्रिस्टो ने कहा कि ऑलवेज डिसेंटर्ड एंड एक्सेंट्रिक। डिसेंटर्ड यानी किसी भी सब्जेक्ट का कभी भी सेंटर नहीं होता, हर चीज डिसेंटर्ड है, हर चीज के अपने अपने अंदर सब्जेक्टिविटी है। ठीक है, मान लो दो इंसान एक जैसे नहीं हो सकते। अब आप बोलेंगे कि नहीं सर, कई बार तो हो जाते हैं कि दो इंसान एक जैसे। देखो, दो इंसान पहली बात तो वो एक जैसे नहीं हो सकते अपने देश के हिसाब से। मान लो कि दोनों एक ही देश के रहने वाले हैं, वेरी गुड। अब वो दोनों इंसान एक स्टेट के नहीं होंगे, ठीक है, चलो मान लो कि दोनों एक ही स्टेट के हैं, ठीक है। अब उनका धर्म अलग हो सकता है, ठीक है, उनकी कास्ट अलग होगी, हो सकती है। और चलो मान लो सब चीज अगर सेम हो जाती हैं, तो उनकी जो सोच है वो जरूर अलग हो जाती है। आप उनको कोई ऐसे 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 एक उनका आप टेस्ट लें, आप उनका एग्जामिन करें, तो दोनों की सोच कहीं ना कहीं अलग होगी। तो हर इंसान की सब्जेक्टिविटी, हर इंसान की सोच, हर इंसान की इच्छाएं अलग होती हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि हर चीज कैसी है, ऑलवेज डिसेंटर्ड, एक्सेंट्रिक। किसी भी चीज का कोई सेंटर नहीं है, हर चीज कैसी है, डिसेंटर्ड। ठीक है, तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के हिसाब से हम इसको देख सकते हैं कि एवरीथिंग इज डिसेंटर्ड। तो सब्जेक्टिविटी हमेशा एक दूसरे से अलग होती है। तो एक तो ये बात हो गई, दूसरी बात है सिम्योटिक। इससे पहले हमने पढ़ा है सिम्योटिक्स, है ना, लेकिन यहाँ पर ये है सिम्योटिक विदाउट एस। तो सिम्योटिक याद रखें, इसमें कह रहे हैं जूलिया क्रिस्टीवा ने एक प्री मिरर स्टेज, काफी इंपोर्टेंट है ये भी, इसका प्री मिरर स्टेज। जूलिया क्रिस्टीवा ने एक ऐसी एज बताई है इंसान की लाइफ की, यहाँ पर साइको एनालिसिस में हम इसको स्टडी कर रहे हैं, जैसे कि
फर्डिनांड के शिष्यों ने फाइव स्टेजेस बताई थी, इसी तरह इन्होंने एक प्री मिरर स्टेज बताई है। और वो जो प्री मिरर स्टेज है वो क्या है, कैसी है? द लैंग्वेज ऑफ फ्लैश, टीयर्स, ब्लड, मिल्क, यानी उस लैंग्वेज में बात होती है दूध की, आंसुओं की। बच्चा रोता है, रोता रहता है कभी कभी, उसमें बच्चा दूध पीता रहता है। प्री मिरर स्टेज, प्री मिरर यानी जब तक बच्चा अपने आप को समझ ही नहीं पाता है, ठीक है। बचपन से लेकर जो 18 महीने तक की एज बताई थी सिगमंड फ्रॉयड ने, जो जिसमें उन्होंने कहा था कि ओरल स्टेज होती है सेक्स की, ओरल स्टेज। तो कहीं ना कहीं हालांकि यहाँ टाइम वो तो नहीं बताया उसकी क्या लाइफ है, क्या उसका समय है, लेकिन हम देख सकते हैं कि सिगमंड फ्रॉयड ने जो बचपन से लेकर, पैदाइश से लेकर 18 महीने तक जो उसने ओरल स्टेज बताई थी, तो इसी तरह इन्होंने भी बताया कि एक इंसान की लाइफ की प्री मिरर स्टेज होती है ना। प्री मिरर यहाँ पर लैंग्वेज कैसी होती है? फ्लैश, टीयर्स, ब्लड, मिल्क, ये सब चीजें होती हैं। सिमियोटिक इज द स्टेज ऑफ बॉडी, कि सिमियोटिक क्या है? एक बॉडी है, बॉडी की स्टेज है जिसमें बच्चा कभी हंसता है, कभी वो किसी आवाज निकालता है और चीजों को टच कर कर फील करता है। दीज आर फॉर्म्स ऑफ सिग्निफिकेशन दैट प्रीसीड्स, और यही आवाजें, यही टच करने की जो उसकी आदत है, जो उसकी बॉडी की लिए जो एक अट्रैक्शन है, वो आगे बढ़ता चला जाता है, ठीक है। इट इज इम्पोर्टेंट वर्ड वी सी इन लैका एज सिम्बोलिक, और इसी बात को जो है लैका ने बताया है सिम्बोलिक लेकर। तो यहाँ पर सिम्योटिक में आपको ये ध्यान रखना है कि सिम्योटिक में जूलिया क्रिस्टी मैंने प्री मिरर स्टेज की बात की है, यानी जहाँ पर बच्चा बात नहीं करता और वहाँ पर वो चीज़ों को टच करता है, आवाज़ें निकालता है, वहाँ पर दूध जो है दूध उसके लिए सब कुछ होता है, वो रोता है, बस रोना ही उसके लिए सब कुछ होता है। तो उसके लिए उसने प्री मिरर स्टेज का जो है वर्ड यूज़ किया है। तो कह रहे हैं कोरा, नेक्स्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जूलिया क्रिस्टीवा का, कोरा। कोरा क्या है, इसको यहाँ देखते हैं पहले कि मदर चाइल्ड इंट्रैक्शन, कि मदर चाइल्ड का जो इंट्रैक्शन होता है वही कोरा होता है, ठीक है। कोरा को शॉर्ट में अगर हम जाने तो एक बच्चे का अपनी माँ के लिए और माँ का अपने बच्चे के लिए जो एक इंट्रैक्शन होता है वही कहलाता है कोरा। और यहाँ कह रहे हैं कि वाट जूलिया क्रिस्टीवा टर्म्स कोरा, यानी जूलिया क्रिस्टीवा ने इस इंट्रैक्शन को, बच्चे के और माँ के बीच के लगाव को, इंट्रैक्शन को, अट्रैक्शन को कोरा बोला है। द कोरा इज द स्टेज, अभी आगे देखें कि कोरा इज द स्टेज लैंग्वेज बिफोर लैंग्वेज, कि कोरा एक इंसान की ऐसी स्टेज है लैंग्वेज बिफोर लैंग्वेज, यानी जब इंसान बात नहीं करता, बोल नहीं पाता है, उससे पहले की जो लैंग्वेज होती है। और वो जो लैंग्वेज होती है वो हमने सिमियोटिक में पढ़ा है, वो कैसी लैंग्वेज होती है? वो फ्लैश लैंग्वेज, टीयर्स, आंसुओं के से जो है बात होती है, दूध के लिए बच्चा जो है बोलता तो नहीं है, इशारे देता है, जैसे कि कभी वो हंसता है, कभी वो आवाज निकालता है, कभी चीजों को टच करता है। तो लैंग्वेज बिफोर लैंग्वेज, कोरा कौन सी स्टेज है इंसान की, यानी जब वो बात नहीं करता फिर भी वो बात करता है, किससे? इशारों से, इशारे देता, बच्चा रोने लगता है, इस मतलब उसको भूख लग रही है, परेशान होता है, चेहरा उतर जाता है, इस तरह से। तो लैंग्वेज बिफोर लैंग्वेज जो है ये कोरा के अंदर आता है, और दूसरा मदर और जो है मदर और चाइल्ड के बीच का जो एक इंट्रैक्शन होता है। कहते हैं कि ये जो कोरा है ये अनरिप्रेजेंटेबल रहता है, कि आप इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। एंड टू इवन टॉक अबाउट इट इज शिफ्ट फ्रॉम सिम्योटिक टू सिम्बोलिक, और ये जो सिम्योटिक टू सिम्बोलिक की तरफ एक शिफ्ट है। पहले चीजें सिम्योटिक होते हैं, सिम्योटिक में यानी टीयर्स, ब्लड, मिल्क और लाफ्टर, साउंड, टच, ये, लेकिन फिर धीरे धीरे कहाँ चले जाते हैं? सिम्बोलिक की तरफ, ठीक है। सिम्योटिक वेयर द सिम्योटिक इज द मदर बॉडी, यहाँ पर सिम्योटिक क्या रहता है, यहाँ पर भी हमने पढ़ा था सिम्योटिक इज द स्टेज ऑफ बॉडी, कि सिम्योटिक एक तरह की मदर बॉडी होती है और एक नॉन लिंग्विस्टिक इंट्रक्शन रहता है, किसके लिए? फ्लैश के लिए, ब्लड के लिए, मिल्क के लिए, टेयर के लिए और टच के लिए, लाफ्टर के लिए। टैक्स प्लेस द बिटवीन मदर एंड चाइल्ड, और ये जो सारी बातें हैं ये मदर और चाइल्ड के बीच में होती है, ठीक है। तो कोरा, कोरा में क्या रहता है? कोरा में बात की है सिम्योटिक, यानी सिम्योटिक को ही कोरा के अंदर लिया है, कि जो एक सिम्योटिक कंडीशन है, जो प्री मिरर स्टेज है, उस स्टेज में बच्चे के और माँ के बीच में एक तरह का इंट्रैक्शन बना रहता है। माँ की बॉडी के लिए बच्चे का इंट्रैक्शन हमेशा बना रहता है, क्योंकि वो वहां से दूध उसको सक कर फीड करता है, और इसके अलावा कई चीजें हैं, ठीक है। And touch that is mother's body and occurs in the space of induction, mother body and the child. It is pre-linguistic. ये जो stage होती है कोरा की, ये pre-linguistic stage होती है, but still process of meaning making
ये प्री लिंग्विस्टिक जरूर होते, लेकिन ये भी एक मीनिंग अपना बताते। बच्चे बात तो नहीं करते 2 महीने के, 3 महीने के, 4 महीने के, लेकिन फिर भी वो जो वो प्रोसेस है वो उसके अपने मतलब होते हैं और उसको माँ अच्छे से जान पाती है। तो बच्चे के और माँ के बीच में जो एक वार्तालाप होती है, एक बातचीत होती है इशारों की, है ना, सिंबल्स की, तो वो कहलाती है कोरा। और कोरा को आप एक लाइन में अगर जानना चाहे तो मदर चाइल्ड इंट्रैक्शन, है ना, माँ और बच्चे का जो एक इंट्रैक्शन है वो कोरा कहलाता है। और दूसरी आसान भाषा में कोरा एक स्टेज है लैंग्वेज बिफोर लैंग्वेज, यानी बोलने से पहले जो लैंग्वेज बोली जाती है इशारों की वो कहलाती है कोरा। नेक्स्ट आता है सिम्बोलिक। क्रिस्ट जूलिया क्रिस्ट और परपोज द स्टेज बिफोर दैट सिम्बोलिक विच इज अबाउट लैंग्वेज। उसने एक सिम्बोलिक स्टेज को भी बताया है जो कि एक स्टेज को बताती है, स्टेज बिफोर दैट ऑफ सिम्बोलिक, यानी सिम्बोलिक से जो पहले एक स्टेज होती है जो कि एक सिम्योटिक होती है ना। ये जो सिम्योटिक होती है ये तो बिल्कुल प्री लैंग्वेज होती है, प्री मिरर स्टेज होती है, लेकिन इसके बाद में जो एक दूसरी एज शुरू होती है वो होती है सिम्बोलिक, यानी सिम्योटिक्स से जो शिफ्ट होती है वो दूसरी स्टेज आती है सिम्बोलिक। यहाँ पर भी हमने इसको पढ़ा था कि जो सिम्योटिक्स है वो ऑटोमेटिकली सिम्बोलिक में चेंज हो जाती है। ठीक है, ये रहा कि शिफ्ट फ्रॉम सिम्योटिक टू सिम्बोलिक। इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, इंपॉर्टेंट तो इसमें केवल कोरा है, सिम्योटिक्स आप ये ध्यान रख लेंगे, सिम्योटिक ये जूलिया क्रिस्टीवा का टर्म है, और इसके अलावा जो इंटरटेक्सुअलिटी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, इंटरटेक्सुअलिटी डस्ट द नोशन ऑफ अ सिंगल ऑथर। इंटरटेक्सुअलिटी जो एक सिंगल ऑथर का जो एक नोशन है, लोगों की सोच है कि एक राइटर एक किताब को लिखता है, इस चीज को उसने खंडन किया जूलिया क्रिस्टीवा ने। मीनिंग और टेक्स्ट कह रहे हैं, व्हाइल द थियोरेटिकल कंसेप्ट ऑफ टेक्सुअलिटी इज एसोसिएटेड विद द पोस्ट मॉडर्निज्म, हालांकि पोस्ट मॉडर्निज्म से जुड़ी हुई है। इंद्रा इटसेल्फ नॉट न्यू, ये कह रहे हैं कि ये अपने आप में न्यू नहीं है। न्यू टेस्टामेंट पैसेज क्वोट फ्रॉम द ओल्ड टेस्टामेंट, ये कह रहे हैं कि जो ओल्ड न्यू टेस्टामेंट जो भी लिखे जा रहे हैं, न्यू किताब जो भी लिखी जा रही है वो पुरानी किताबों से लेकर लिखी जा रही है। इंटरटेक्सुअलिटी डिस्क्राइब द यूज ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट इन न्यू टेस्टामेंट। समटाइम्स इंटरटेक्सुअलिटी इज टेकन ऑफ एज प्लेगरिज्म, ये कह रहे हैं कि कई बार यहाँ पर जो प्लेगरिज्म के जो आरोप लगे हैं, जो लोगों पर जो है प्लेगरिज्म के इल्जाम आते हैं, तो वो भी इंटरटेक्सुअलिटी की वजह से ही आते हैं। शी आर्ग्यूज दैट ऑथर डोंट क्रिएट देयर टेक्स्ट फ्रॉम देयर ओन माइंड, के कोई भी राइटर कोई भी ऑथर अपने माइंड से कुछ नहीं लिखता, बट रादर कंपाइल फ्रॉम द प्री एग्जिस्टेंट टेक्स्ट, यानी जो पहले से टेक्स्ट लिखे जा चुके हैं उनसे ही कॉपी कर लेता है। तो आप इंटरटेक्सुअलिटी में यह समझ सकते हैं कि इंटरटेक्सुअलिटी में यह है कि एक ऑथर कभी भी अपना वर्क खुद नहीं लिखता, अपने माइंड से कोई भी इंसान काम नहीं करता, बल्कि वो जो पहले से किसी ने लिखा हुआ है पहले वो उनको पढ़ेगा। आप भी पढ़ते हैं रिसर्च में कि लिटरेचर रिव्यू होता है, लिटरेचर रिव्यू का क्या मतलब है कि उस फील्ड में जो काम हो चुके हैं, जो वर्क हो चुके हैं, जो रिसर्च हो चुकी है, आपको उनके बारे में जानकारी हो। अब आप जब उनके बारे में जानकारी ले लेंगे, इतनी सारी जानकारी ले लेंगे, तो कहीं ना कहीं आप उन्हीं चीजों को माइंड में रखकर अपना वर्क करते चलेंगे। ठीक है, आप जब साइकिल चलाने आपने सीखी थी तो आपने दूसरों को साइकिल चलाते हुए सीखा देखा था, तब आपने उसी दिशा में काम किया था, तो आप भी साइकिल चलाना सीख गए हैं। एक बच्चा खाना जो है बड़ों को देखता है, जब वो खाना खाते हैं तो उनको देखता रहता है, और एक समय पर वो भी इसी तरह खाने लगता है। तो इंटरटेक्सुअलिटी का मतलब यह है कि कोई भी इंसान दुनिया में नया काम नहीं कर रहा है। 10% कोई नया काम कर रहा हो या कोई 5% का नया काम करता है, लेकिन 90% जो काम हो रहे हैं दुनिया के वो एक दूसरे को देख कर ही हो रहे हैं। हम चलते हैं सब लोग चलते हैं, खाते हैं सब लोग खाते हैं, हम रिसर्च कर रहे हैं किसी चीज पर, बहुत सारे लोगों ने उस पर रिसर्च की है। ठीक है, एक ही चीज पर। तो इंटरटेक्सुअलिटी, कोई भी इंसान अपना काम नहीं करता, बल्कि वो दूसरे जो है टेक्स्ट को पढ़कर, दूसरी चीजों को देखकर, दूसरी चीजों को ऑब्जर्व कर वो अपना काम आगे जो है करता है, रिसर्च करता है। और इसी इंटरटेक्सुअलिटी की वजह से कई बार हमारे टेक्स्ट को प्लैगरिज्म के इल्जाम लगते हैं। कि प्लैगरिज्म क्या है? प्लैगरिज्म प्लैगरिज्म ये है कि दूसरों का काम अपने उसमें दिखा देना, कॉपीराइट आ जाता है, कॉपीराइट आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें, दूसरी बात यह है कि कोई भी ऑथर अपने माइंड से कोई भी वर्क क्रिएट नहीं करता, बल्कि कंपाइल करता है। कंपाइल करता है किससे? प्री एग्जिस्टेंट टेक्स्ट, जो पहले से लिखा गया है।
ठीक है, आप समझ रहे होंगे, इंटरटेक्चुअलिटी यानी दूसरे के वर्क को अपने वर्क में लिख देना, उसके आइडियाज को लिख देना। भाई लैंग्वेज, कई बार लैंग्वेज अलग हो सकती है, उसने किसी और लैंग्वेज में लिखा था, दूसरी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लेकिन आइडिया तो वही रहेगा। आइडिया तो हमने दिमाग में वही रख रखा है जो हमने पढ़ा है। आइडिया कहाँ से आएगा? या तो पढ़ कर आएगा, या ऑब्जर्व कर कर आएगा, एक्सपीरियंस कर कर आएगा। तो यही है। नेक्स्ट, तो इसके कुछ वर्क हैं जूलिया क्रिस्टेवा के। सबसे पहले वर्ड डायलॉग एंड नोवल, दूसरे हैं रिवॉल्यूशन इन पोएटिक लैंग्वेज, पावर ऑन हॉरर, दूसरे इसका सब टाइटल है एन एसे ऑन एब्जेक्शन, डिजायर इन लैंग्वेज, ठीक है, ये इनका वर्क है, और थर्ड इज अबाउट चाइनीज वुमेन। ठीक है, ये पांच वर्क है इनके, पांच छः। तो वर्क वर्ड डायलॉग एंड नोवल, रिवॉल्यूशन इन पोएटिक लैंग्वेज, पावर ऑन हॉरर, डिजायर इन लैंग्वेज एंड अबाउट दी चाइनीज वुमेन। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जूलिया क्रिस्टोवा समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना काफी है। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।